झाझा में नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। ऐसे में झाझा नगर परिषद क्षेत्र से चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे झाझा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर श्यामदेव यानी वैद्य जी की पत्नी आशा देवी भी अब झाझा के विकास को लेकर अपना योगदान देने चुनावी अखाड़े में उतर गई है। इसी बीच झाझा में आशा देवी और उनके पति डॉक्टर श्यामदेव के द्वारा झाझा वासियों को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का लाभ दिया गया है, जिसमें देवघर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर एनडी मिश्रा ने अपना योगदान देते हुए समस्त रोगियों का निःशुल्क इलाज किया। वहीं उन्होंने कहा कि वैद्य जी के द्वारा यह सराहनीय पहल है और इस तरह का कार्य समाज सेवियों के लिए उनका आभूषण होता है। क्या कुछ कह रहे डॉक्टर एनडी मिश्रा, पहले आप उस में वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले झाझा में नेत्र जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें व्यवस्थापक के रूप में वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को आगे बढ़ाने के तौर पर डॉक्टर श्यामदेव वैद्य जी का सहयोग मिलना, ये इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े ही खुशी की बात है। और इसके लिए हम वैद्य जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। पिछले दिनों से लगातार वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ऑर्गेनाइजेशन झारखंड के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न नगरों में स्वास्थ्य नेत्र स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन करते रही है। ये हम लोग झाझा क्षेत्र के लोग थोड़ा लेट हो गए इस मामले में, क्योंकि वहाँ नज़दीक पड़ता था, लोग बराबर गोड्डा से, दुमका से, काठीकुंड से लोग बराबर आते थे कैंप करवाने के लिए, और हर जगह जाके गरीब को, ज़रूरतमंद लोगों के नेत्र जांच कर उपयुक्त सलाह और दवा देकर एक असीम खुशी मिलती थी। लेकिन मन में एक कचोट रहता था कि अपने घर के लोग, चूँकि मेरा घर की दौर पड़ता है, अपने घर के लोग को ये सेवा नहीं दे पा रहे हैं। शायद मेरे पास समय नहीं था आयोजन करने का और आयोजनकर्ता उपलब्ध नहीं थे। जैसा कि पिछली बार आज से करीब एक दो महीने पहले खुदरा व्यापारी संघ झाझा द्वारा नेत्र जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, उनके बबलू केसरी जी ने मुझे आग्रह किया कि सर सब जगह कैंप करते हैं, झाझा क्षेत्र को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कैंप का आयोजन किया और बड़े सुचारू ढंग से लगभग 150 पेशेंट का उस दिन हम लोग जांच कर पाए। ये झाझा के लिए और हमारे लिए और अधिक खुशी की बात है कि आज पुनः झाझा में समाजसेवी डॉक्टर श्यामदेव वैद्य जी द्वारा कैंप आयोजन करने के लिए मुझे आग्रह किया गया। करीब दो हफ्ते से लगातार इसके लिए इन्होंने प्रयास किया और आज उसी के फलस्वरूप काफ़ी संख्या में मरीज लोग पहुँचे हुए हैं। और हमको लगता है ये मरीज की सेवा करना तो अपने आप में एक खुशी का, आनंद का पल होता है, लेकिन अपने घर, अपने जिले के लोगों का सेवा करने का एक आनंद ही अलग होता है। इसके लिए पुनः मैं वैद्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम आयोजन के लिए। बाकी सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों मुख्य रूप से इस चीज को समझ लेंगे। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ऑर्गेनाइजेशन, विश्व दायित्ववान नागरिक संगठन, सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा, अपने अपने दायित्व को समझें और उसके अनुरूप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास अवश्य करते रहेंगे। यही छोटा छोटा प्रयास राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान साथ अभी भूमिका निभाएगा और राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक होगा। सर, शुरू से ही आपका झाझा वासियों से एक अटूट सा लगाव, एक अटूट सा प्रेम रहा है, कहीं ना कहीं बीच बीच में जिस तरह से आपका सहयोग लोगों को मिलता है या आप जो योगदान करते हैं, ये क्या मतलब कोई ऐसा माध्यम नहीं हो सकता है कि प्रति महीने लोगों को इसका लाभ मिल सके? देखिए, ये प्रति महीने का रूटीन करना एक चिकित्सक के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। बिल्कुल, बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए हैं और एक रूटीन तय करना और उस पर अनुपस्थित होना ये बड़ा दुखद घटना, शर्मनाक घटना होती है। लेकिन चूंकि मेरा अपना वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम चलते रहता है, तो एक निश्चित तिथि पे आना थोड़ा मुश्किल काम है।
लेकिन मैं झाझा क्षेत्र के या जम्मू जिला के लोगों को इसके प्रति आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब कभी उन्हें कैंप लगाने की आवश्यकता पड़े, नेत्र जांच शिविर लगाने की आवश्यकता पड़े, हमसे समय लें, उसके अनुसार हम समय देंगे और निश्चित तौर पे हम लोग शिविर लगाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। थैंक यू सर।